वॉज इन दिस टाइम आप लोग जल्दी आ गए होगे ऑल राइट वेलकम जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ वेलकम ओके No guys, uh, सबसे पहले तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं पहला सबसे इम्पॉर्टेंट और गारंटीड क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आएगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से आएगा तो इवन दो तो आप ये चैप्टर साल के शुरुआत से कर रहे हो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करके जाना है ना बहुत ही आसान चैप्टर है बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो इस चैप्टर में एक भी मार्क्स आपको लूज नहीं करने दूसरा आज के सेशन के बाद आज यूजल आप कहोगे मैम इसका पी डी कहाँ है तो उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी श्योर sure आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड ऑफकोर्स कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप लोग आप वीक्वेस्ट कब लोगे मेंटी कब लोगे सेशन के बीच बीच में आप लोग मुझे परेशान करोगे तो बेटा वीडियो के एंड में हम लोग वीक्वेस्ट करेंगे ठीक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चलो थम्स अप दे दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो है ना जल्दी आ गई मैं एटलीस्ट आधा घंटा लेट होना चाहिए था मुझे कितना लंबा चलेगा एक घंटे से ज्यादा नहीं जाएगा मैक्सिमम वन आवर ठीक है अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी चैनल पे है आप उसको भी देख सकते हो सो लेट्स मैम आप लेट हो शायद आपकी घड़ी जो है हाँ हो सकता है हो सकता है ऐसा नहीं है आ, इससे पहले मेरी एक और क्लास थी सात बजे नाइन और तो टेन चैनल में उसके बाद मैं आपका कंटेंट देख रही थी एडिट कर रही थी टाइम लग जाता है लग जाता है टाइम <laughs> हाय प्रिया हाय अमृता चलो मोटिवेशन चाहिए अच्छा पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये क्लास कैंसिल होने वाली थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी फिर मैंने कहा नहीं आई हैव टू पुश माई सेल्फ एंड डू दिस क्लास फॉर यू गाइज तो दैट इज़ वाई आई एम हियर काफ़ी बार बार मैंने जय श्री राम बोला और जो भी आपके भगवान है उनका नाम बोलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? चलो लेट स्टार्ट हाय अवंतिका हाय सुबोध हो गया हाय पढ़ाई कराया हाँ, भाई क्रिएशन चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फ्रेंच एज यूजुअल आई एम गोना स्टार्ट विद माय फेवरेट लाइन एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी पर पेपर में ये मत लिखना कहानी शुरू होती है फ्रांस से जब उसकी राज गद्दी उठ उठ लेते हैं 1774 में लुई 16 लुई सिक्सटीन उसकी राजी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड उनकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से बहुत खुशी का दिन होता है लेकिन उनका मुँह क्यों उतर जाता है जल्दी से बता दो <laughs> क्योंकि ही गेट्स अ एम्प्टी ट्रेजरी उनको एक बिल्कुल खाली ट्रेजरी मिलती है एंड द रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी इज की फ्रांस बहुत की फ्रांस जो है वो अमेरिका की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी सालों तक हेल्प करता है इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब आप कहोगे अमेरिका कहां से आया देखो यार फ्रांस जो है ना ब्रिटिश का दुश्मन था है ना और ब्रिटिश का दुश्मन अमेरिका था अब आप आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ठीक है अब इतनी ज्यादा उसने हेल्प की इतना उसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प की कि उसके काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे बल्कि वो कर्जदार बन गया था बाकी यू नो you know, बाकी कुछ देशों का उसने काफी कर्जा लिया था इन हेल्पिंग अमेरिका तो उसकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो गई थी उसके अलावा फ्रांस के ऊपर भी काफी सारे खुद के खर्चे थे उसकी जो पैलेस थी जो नोबिलिटी थी जो राजा रानी थे रानी के कपड़े इन सब में भी काफी खर्चा होता था राइट सो द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड अ लॉट ऑफ मनी दैट दे हैड टू पे बैक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई था जो उनको वापस करना था और खुद के उनके खर्चे भी बहुत ज्यादा थे अब आ गया क्विज भी है क्या हाँ वर्साइल्स पैलेस के एक्स्ट्राविगेंट एक्सपेंसेस एक्जैक्टली exactly, एक्जैक्टली exactly, ठीक है तो ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट एटीन सेंचुरी फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी उस टाइम समाज जो है तीन एस्टेट्स में डिवाइडेड था पहला जो एस्टेट था दैट वाज़ क्लर्जी जहां पर जो चर्च गोअर्स थे जो चर्च के लोग थे दे जॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वो क्या प्रिविलेजेस थे मैं बताती हूँ सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी थी राजा राजा एरिस्टोक्रेसी जो अमीर लोग है दैट इज द सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट है पेजेंट्स बिजनेसमैन मर्चेंट्स है ना जो आपके आम आदमी है राइट right? अब यहां पर जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे दे एंजॉय प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मतलब जस्ट बिकॉज वो उस एस्टेट में पैदा हुए हैं, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस ओनली द थर्ड एस्टेट टैक्स पेड टैक्से बोथ टू द सेकेंड एंड दर्स्ट एस्टेट फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो है आराम की जिंदगी जीता था और थर्ड एस्टेट जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था लॉर्ड को फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था जहाँ पर फ्री में वो बेगार वर्क करते थे सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लॉर्ड को यू नो you know, बड़े बड़े मेनर्स के मेनर मतलब बंगलों के लॉर्ड को और उनको टैक्सेज भी पे करना पड़ता था टाइल जो वो सीधा स्टेट को देते थे और टिथे जो वो चर्च को देते थे ट वॉज वन टेंथ ऑफ देर प्रोड्यूस इसके अलावा उनको काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे लॉन्ग लिव ब्रिटिशर्स राइट right? uh, अच्छा इस टाइम पे सिचुएशन बद से बदतर क्यों हुई बिकॉज ऑफ दी सब्सिस्टेंस क्राइसिस सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल है ना फ्रांस की पॉपुलेशन टिल एटी नाइन काफी ज्यादा बढ़ गई थी अगर आपको नंबर याद नहीं है बस लिख सकते हो कि इट रीज ट्वेंटी मिलियन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों के खाने की डिमांड बढ़ गई है ना हवा थोड़ी ना खाएंगे हाँ खाना खाएंगे पर प्रॉब्लम है बैड हार्वेस्ट हो गया था शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी जिसके वजह से खाने के प्राइसेस बढ़ गए थे जब आपके पास खाना कम

और सेकेंड स्टेड तो आराम से बस जिंदगी जी रहे तो जो इनिक क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी ठीक है और कौन से चैप्टर का क्रैश कोर्स चाहिए बता देना मुझे वॉट वॉज सबसिस्टेंस क्राइसिस बाई डेड ए टकर इन फ्रांस ड्यूरिंग दी ओल्ड रजीब तो आप यही कहोगे कि फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ था वैन द पॉपुलेशन टीन एटी नाइन टू ट्वेंटी यहां पर रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेज हाउ एवर ड्यू टू बैट हार्टेज ऑफ फूड हो गया था जिसकी वजह से इट पुस्ट द प्राइस ऑफ यू नो इट पुस्ट अपू एंड फूड ग्रेड तो पीपल वर नॉट एबल टू बाय फूड ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था सो दे नॉट मनी पॉपरिज्म हो गया था फ्रांस में इन इक्वालिटी बढ़ गई थी बिटवीन द रिच एंड पुअर वाई डे दबसिस्टेंस क्राइसिस क्योंकि फ्रांस में थर्ड एस्टेट रजीम सिस्टम था वेर इट वॉज द थर्ड एस्टेट दैट वॉज ओनली पेइंग टैक्सेस टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट क्लियर यस अब आपके बुक में एक इमेज है उस इमेज को देख लेते हैं यहाँ पर आ, एक मतलब ऐसा दिखाया गया है कि जो लॉर्ड है वो तो अपनी आराम की जिंदगी जी रहा है आराम से बैठा हुआ है और आपका जो हे भगवान एंड इमेज का नाम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई और ये जो है ये पेजेंट है ये उसके लिए जो है खाना ला रहा है और सब कुछ ला रहा है है ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द नोबेल मैन इज द स्पाइडर जो एक्चुअली कुछ काम नहीं कर रहा है और ये जो प्रेजेंट है ये एक फ्लाई है जो स्पाइडर के वेब में जाके फंस गया है. है ना अगर आई आई कॉन्टेक्ट को देखो तो ये इसको देख भी नहीं रहा है लाइक होता है ना आप उस, उस, उस आदमी के आंखों में आँख डाल के देखोगे जिसे आप रिस्पेक्ट करते हो जिसे आप अपना इक्वल समझते हो राइट right? पर यहाँ पर जो नोबेल है ही इज नॉट इवन लुकिंग आई टू आई टू द पेशेंट क्योंकि वो उसको जैसे हम चींटी के आंखों के आंखों में आंख डाल के चींटी को थोड़ी ना देखता हम उसको बस मार देते हैं कुचल देते हैं है ना तो वैसा ही काइंड ऑफ रिलेशनशिप है यहाँ पर क्लियर यस चलो अब हम बात करते हैं द थर्ड रीजन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला रीजन इज द ओल्ड रेजिम है ना ओल्ड रेजिम सिस्टम फ्रेंच रेवल्यूशन का दूसरा सिस्टम दूसरा कॉज इज सबसिस्टेंस क्राइसिस तीसरा कॉज इज द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एनलाइटनमेंट थिंकर्स थर्ड एस्टेट थ्री एस्टेट का जो सिस्टम था ओल्ड रचीम का सिस्टम जो था वो फ्रांस में सैकड़ों सालों से था लेकिन अब क्या मेजर चेंज आया फ्रांस में और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जिसके वजह से ग्रोइंग ग्रोइंग मिडिल क्लास क्लास इंडस्ट्रियल उत्पन्न होने लगी है ना इट स्टार्टेड इमर्जिंग और ये इंडस्ट्रियल क्लास एजुकेटेड थी दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देविलेजेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई वाई शुड वी एक्सेप्ट द अनकंट्रोल्ड पावर Of monarchy. They believed in the idea of privileges on the basis of merit and not on birth. ठीक है तो लॉयर्स थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ये क्वेश्चन करने लग गए पूरे सिस्टम को इसके अलावा कुछ फिलोसफर्स भी थे जिनकी फिलोसफी लोगों तक पहुंची फॉर एग्जांपल जॉन लॉक ने टू ट्रिएटीज ऑफ गवर्नमेंट में टू ट्रिएटीज ऑफ गवर्नमेंट में बात की कि कैसे मोनार्की के पास एब्सोलूट पावर नहीं होनी चाहिए जॉन रूस जॉक्यू रूको रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बात की कि कैसे गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट होना चाहिए एंड मॉन्टिस्क्यू ने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज में बात की अबाउट द एग्जीक्यूटिव लेजिसलेचर एंड जुडिशरी राइट फोर्थ रीजन तो तीन रीज़ कॉजे हो गए फ्रेंच रेवल्यूशन के फोर्थ कॉज है इमीजिएट कॉज ठीक है सब हेडिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप अपना आंसर लिख रहे हो इमीडिएट कॉस्ट क्या है 1789 को लुई 16 को रियलाइज हुआ कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली है एंड द ओनली वे टू मीट हिज एक्सपेंसेस इज टू रेज द टैक्सेस हाउएवर फ्रांस में एक रूल था कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए ही हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट जनरल है ना स्टेट जनरल में ऑल द थ्री एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और थर्ड एस्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे हाउएवर ईच एस्टेट ओनली हैड

में मिले तो दिस इज द टेनिस कोर्ट ओथ है ना यहाँ आप देख सकते हो कि सब लोग अपना ऐसा वोटिंग वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि टेनिस कोर्ट में उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पर उन्होंने मोनार्की के पावर को लिमिट किया राइट ऑन द 9th ऑफ फोर्थ ऑगस्ट 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस ठीक है गाइस याद करते रहो राइट अब right. um, जब यह सब हो रहा था स्टेट जनरल में राजा के पैलेस में फ्रांस की सोसाइटी में क्या हो रहा था ये भी इंपॉर्टेंट है आपको पता है कि काफी ज्यादा फैला हुआ था लोग जो है भूखमरी से मर रहे थे है ना औरतों के पास ब्रेड नहीं थी अपने बच्चों को खिलाने के लिए प्राइसिस हाँ तो में लूटपाट मचानी शुरू कर दी कुछ औरतों ने और कुछ आदमियों ने मिलकर बास पर अटैक किया एंड ऑफ जुलाई कॉल्ड टू इज नोन टू बी फ्रेंच रेवोल्यूशन हरा उस मोमेंट को बोलते हैं कि क्रांति शुरू हो गई जो आपके चैप्टर के शुरुआत में उसका एक्सप्लेनेशन भी है राइट right? अच्छा इस टाइम पे कंट्री साइड में एक र्यूमर फैलने लगी गांव में एक र्यूमर फैलने लगी कि जो ऑफ द मेनर है है ना जो 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 बड़े बड़े मेनर में जो आपके के लोग हैं हैं वो लोग जो है आप उनके राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने आ, आने वाले हैं ऐसा उन्हें क्यों लगा यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि पोलिटिकली ना फ्रांस में काफी उथल पुथल हो रही थी आपको बस समझना है कुछ याद नहीं करना है इसमें बस बता रही हूँ मैं आपको कि उथल पुथल हो रही थी यू नो क्योंकि जो नेशनल

बंगलो और उसको जलाने लगे तो इस से जो बड़े नोबेल से वो फ्रांस को छोड़ के भागने लगे ठीक है सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन इफ यू वॉन्ट यू कैन इग्नोर इसको याद ना भी करो तो ठीक है बस मैंने आपको बता दिया अगर कोई एमसीक्यू आ जाए इस पर तो ठीक है चलो आप फेस विद द पावर ऑफ इज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट जब लुई सिक्सटीन ने देखा कि चारों तरफ से वो बिल्कुल बंद चुके हैं सब लोग रिवोल्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तो उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकोगनाइज किया एंड ही एक्सेप्टेड दैट मोनार्की विल नाउ बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा जहाँ पर राजा की पावर को हम लिमिट कर देंगे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे सो ऑन नाइन्थ ऑफ फोर्थ ऑफ ऑगस्ट सेवनटीन एटी नाइन सारे फ्यूटर प्रिवेजेस जो है बंद कर दिए गए चर्च को चर्च का लैंड कॉन्फिस्केट कर दिया गया जो टैक्सेज देती थी थर्ड एस्टेट टू द सेकेंड एंड फर्स्ट एस्टेट उसको एबोलिश कर दिया गया एंड टिथेजर uh, so, जो चर्च को टैक्स दिया जाता था एज ए रिजल्ट ने ऐसा नहीं किया जिसके वजह से पूरा रिवोल्ट हुआ. और फाइनली जब नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आई और उन्होंने चर्च के लैंड ले लिया जो है, आ, बंद कर दिए तो उन्होंने टू बिलियन लिवरेज कमा लिया राइट एंड अगेन दिस पार्ट यू जस्ट हैव टू रीड फॉर एमसी याद करने की आसा जरूरत नहीं है आपको याद करना है अभी तक वॉट आर दॉेस ऑफ देंच रेवल्यूशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन है पहला फ्रेंच सोसाइटी इन देंचुरी जो ओल्ड रेजीम सिस्टम है दूसरा द ग्रोइंग मिडिल क्लास तीसरा रोल ऑफ फिलोसोफर्स चौथा सबसिस्टेंस क्राइसिस पांचवा इमीजिएट रीजन वो पूरा जो थर्ड एस्टेट में जो मेरे वन वोट वन पर्सन वाली कहानी दैट इज इट ठीक है आपको अभी तक एक ही क्वेश्चन याद करना है दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा कि फ्रांस जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया ऑफ 1791 क्या था इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉड बाय द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवनटीन ये आएगा आपको एग्जाम में है ना तो आप क्या लिखोगे कि जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाय 1791 वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क यहां पर द पावर वाज नाउ डिवाइडेड बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ठीक है दूसरा फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिस्ड तीसरा टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द चर्च वर विड और जो लैंड था चर्च का उसको confiscate कर दिया गया पावर वॉज नाउ टू टेक असेंबली अच्छा यहां पर आप एक और चीज बोलोगेड इन टू एक्टिव एंड जो तीन दिन का लेबर करते थे तीन दिन का काम करते थे टैक्स देते थे दे वर द वन नाउ अलाउड टू वोट मेन अबाउट ट्वेंटी फाइव Jo property meant who paid taxes of three days of labor they were allowed to vote they were active citizens however men who did not own property women children they were considered passive citizens and they were not allowed to vote only active citizens were allowed to indirectly vote to the National Assembly clear. कौन से चैप्टर्स आएंगे क्रैश कोर्स में ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर फाइनल्स तो इसके बाद हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सिविक्स ठीक है फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया द्रोना में स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हाँ हाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है ठीक है अब हम आते हैं फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा फ्यूडल सिस्टम होता है जहां पर लैंडलॉर्ड होता है जिसका लैंड होता है और आप जैसे फ्यूड आप सर्फ surf हो सर्फडम और फ्यूडल सिस्टम एक ही चीज होती है जहां पर आप मेरे लैंड पे काम कर रहे हो फ्री में है ना आपको करना पड़ रहा है क्योंकि तभी आपको मैं आपको खाना दूंगी जो आप खाओगे समझ रहे हो चलो अब हम आ, वी कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे आ सकता है Uh, यहां पर रॉबिस्पियर रूल इन फ्रांस वॉज नोन एज द रेन ऑफ टेरर जस्टिफाई द स्टेटमेंट या फिर डिस्क्राइब द द द फॉर फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस ठीक है तो क्वेश्चन दोनों तरीके के आ सकते हैं कि जैकोबिन क्लब्स कौन थे उनके मेंबर्स कौन थे या फिर इट वॉज रेन ऑफ टेरर था रॉबिस का रूल उसको एक्सप्लेन करो या फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब तीनों पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है जैकोबिन क्लब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ठीक है तो क्या करोगे देखो यार लुई सिक्सटीन जब आ, यू नो फ्रांस जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तो लुई सिक्सटीन चुप बैठने वालों में से नहीं थे उन्होंने अपने ससुराल कॉल लगाया ऑस्ट्रिया में और बोला कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है है ना यूरोप के हर राजा के साथ हो सकता है तो ही स्टार्टेड नेगोसिएशन विद द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया जब हमारी जब हमारी मतलब जब फ्रांस की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को ये पता चला सो सो दे ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792. नाइनटी टू उसका इम्पैक्ट ऑफ वॉर क्या था इम्पैक्ट ऑफ वॉर ये था कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ काफ़ी सारे एबल बॉडीड जो मैन थे दे गॉट बिजी इन वॉर एफर्ट है ना ऐसे सिचुएशन में यू नो you know, काफी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रांस में इमर्ज होने लगे वन सच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज़ द जैकोबिन क्लब जैकोबिन क्लब में लेस प्रॉस्पेरस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे जैसे आपके शॉपकीपर्स हो गए आर्टिजन हो गए पीपल डिड नॉट हैव द राइट टू वोट जो पैसिजन कहलाए जाते थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी One of their major demand was that they wanted to have the sorry ha they wanted to have the right to vote property ke, they wanted to have the right to vote.

अब द एज ऑफ ट्वेंटी वन वॉज नाउ अलाउड टू वोट है ना जो भी ट्वेंटी वन के ऊपर है प्रॉपर्टी नहीं था क्लियर रेड स्ट्रेप पैंट हा हा ऑल राइट अब जो नई सरकार आई दैट वॉज अंडर मैक्समिलियन रॉबिस्पियर इसको कन्वेंशन भी बोलते हैं ठीक है दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वेंशन गवर्नमेंट दिस वॉज रूल्ड बाय मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर मैक्सिमिलियन रॉबिस अच्छा था लेकिन ज्यादा ही अच्छा था आप कहोगे कैसे बोलोगे मैक्सिमिलियन रॉबिसपियर वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब वेन जैकोबिन क्लब टुक द लुई सिक्सटीन एंड मैरी एंटोनेट यू नो एज देयर प्रिजनर्स इन सेवनटीन नाइनटी टू दैट इज वैन फ्रांस वॉज डिक्लेयर रिपब्लिक एंड मोनार्की वॉज

उनके सपोर्टर्स भी बोलने लगे भाई ठंड रख ज्यादा

ठीक है तो अगर आपको क्वेश्चन आए रॉबिस रूल इन फ्रांस वॉज नोन एज अ रेन ऑफ टेरर तो आपको यही बोलना है इट इज बिकॉज उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट फॉलो की जहाँ पर जो भी उनके एनिमीज थे चाहे वो एक्स एक्सनोबेल्स थे चाहे वो उसके खुद के फॉलोअर्स थे उनको ट्राई किया जाता था इम्प्रिजेंट किया जाता था और गिलिटिन कर दिया जाता था रॉबिस्पियर्स गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग लिए कि उनके खुद के सपोर्टर्स ने बोला कि थोड़ा मॉडरेशन करो वो क्या मेजर्स थे आप वो लिखोगे और फाइनली बोलोगे कि रॉबिस रॉबिस्पियर्सर जो जो 1792 से 1793 वाला जो साल है दैट वाज दैट इज नोन टू बी द रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 ठीक है क्लियर Describe the causes for the fall of Jacobin uh, government in France. So, इसमें भी आप सेम कहानी लिखोगे सेम डिट्टो गिलिटिन किसका बनाता है सेम बेटा वो था चाकू Alright, now after that, आता है देखो यार अब जो है ना? अब जो मिडिल क्लास थी जो थोड़ी इंडस्ट्रियल क्लास थी जिनपे थोड़ा पैसा था दे टुक बैक द रेन ऑफ फ्रांस और उनको रियलाइज हुआ पहली बात कि गरीब लोगों से तो नहीं हो पाएगा तो उन्होंने वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उन्होंने बोला दैट ओनली प्रॉपर्टी मैन विल बी अलाउड टू वोट है ना द न्यू मिडिल क्लास टू कोवर उन्होंने बोला कि देखो ये गरीब लोगों से बिल्कुल नहीं होता उनका दिमाग खराब हो जाता है हमको ब्रेड खिला रहे हैं वो भी वाइट ब्रेड है ना तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी कर लो खाने पर हाथ मत लगाओ है ना तो दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे दैट ओनली हु हैव हैव प्रॉपर्टी विल नाउ द राइट टू वोट और जो नई सरकार थी उसको डायरेक्टरी बोलते हैं ठीक है सो इफ़ यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड इफ यू हैव टू लुक एट द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स आप पहले वो कि पहले मोनार्की थी लुई सिक्सटीन के अंदर फिर उसके बाद फ्रेंच रेवल्यूशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई फिर उसके बाद जैकोबिन्स का राइज हुआ एंड रिपब्लिक uh, आया फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक राइट उसके बाद रिपब्लिक आया तो कन्वेंशन गवर्नमेंट आई फॉल ऑफ जैकोबिन्स हुआ एंड फिर डायरेक्टरी आई सो यू शुड हैव दैट क्रोनोलॉजी इन योर हेड क्लियरली लिख लो अगर कन्फ्यूज हो ठीक है फिर डायरेक्टरी जो आई यहां पर उनको रियलाइज हुआ कि क्योंकि रॉबिस्पियर के हाथ में एप्सल्यूट पावर थी एक इंसान के हाथ में एप्सल्यूट पावर थी इसीलिए फ्रांस में इतनी प्रॉब्लम हुई सो दे डिसाइडेड टू हैव अ टू लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वन एग्जीक्यूटिव विथ फाइव मेंबर्स

तो यहां पर भी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। अब मैंने आपको बताया था अगर आपने वो मेरा वो मेरा वाला सेशन uh, देखा था फाइनल एग्जाम वन ऑफ़ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर इज हाउ डेड नेपोलियन बोनापार्टे राइज

टेटर लाइक नेपोलियन क्लियर ये कहानी लिख दोगे हां अब नेपोलियन बोना पार्टे पर क्या क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन बोना पार्टे क्या मेजर्स लाए टू मॉडर्नाइज यूरोप ठीक है तो आप अगर ये आएगा आप लिखोगे कि नेपोलियन मोना पार्टे ने फ्रांस की गद्दी संभाली एंड ही ब्रॉट आउट द लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन 1804 ठीक है 1804 में काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जिसको नेपोलियन ने कोड भी बोला जाता है ही व्यूड हिमसेल्फ एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप एंड हु वुड लिबरेट यूरोप फ्रॉम मोनार्की वो सारे बहुत सारे मेजर्स लाए फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ही इंट्रोड्यूस द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्स टे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रैशनलियन राइट टू प्रॉपर्टी को एफिशियंट और रैशनल बनाया तीसरा ही इंट्रोड्यूस अफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आंसर फिनिश ओके बैटल ऑफ वॉटर लू इन एटीन फिफ्टीन मैम बुक में डेक्लेन ऑफ राइट ऑफ मैन अच्छा हाँ हमने पढ़ा था ना में एन में रेवल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया कॉन्स्टिट्यूशन का नाम था चार्टर ऑफ राइट्स एंड मैन वो मैं आई थिंक लिखना भूल गई चार्टर ऑफ राइट्स एंड मैन चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन हे भगवान माई हेड ओके चलो अब लेट्स टॉक अबाउट इन रेवल्यूशन तो गई यहां पर जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन या डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पोलिटिकल क्लब देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स आंसर क्या लिखोगे प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लो

ये इनके दो डिमांड्स थे राइट आप कह सकते हो इन द अर्ली इयर्स जो रेवल्यूशनरी गवर्नमेंट थी दे ब्रॉट मेनी मेजर्स टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ वुमेन फॉर एग्जांपल जो आपका स्कूलिंग था दैट वाज मेड फॉर ऑल गर्ल्स मैरिज कुड नो लॉन्गर बी इम्पोज ऑफ वुमेन पहले जो है पति पहले जो है पिताजी जो है पापा जो है डिसाइड करते थे लड़की की कब शादी होगी और फोर्स किया जाता था वुमेन डिड नॉट इवन हैव द राइट टू से नो है ना वर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर्स राइट तो अब बोला गया कि नहीं मैरिज के नॉट बी डन अगेंस्ट will of the woman marriage was made into a contract between men and women under the civil law divorce was made legal and it could be applied by both men and women this was a huge huge reform women could now train for jobs could become artists or can run a small business hey na? however women's jo struggle tha for equal rights continued the reign of terror a maximilian robespierre ka jo rule aya, वहाँ पर वुमेन्स uh, क्लब्स को वापस से बैन किए गए उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन किए गए देयर स्ट्रगल फॉर इक्वल वेजेस एंड वोटिंग राइट्स कंटिन्यूड फाइनली इट वाज इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अगेन इसका क्रोनोलॉजी देखो तो यू शुड अगेन रिमेंबर इट लाइक दिस कि रेवोल्यूशन 1789 में वुमेन का पार्टिसिपेशन था स्टार्ट रिमेम्बरिंग बाय मेकिंग फ्लो चार्च तभी आपको हिस्ट्री याद होगी वुमेन का पार्टिसिपेशन था बिकॉज दे थॉट दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विल फोर्स द रेवल्यूशनरी गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ सिचुएशन है ना फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या मेजर्स लाई आप वो लिख सकते हो कि स्कूलिंग कंपलसरी की मैरिज अब फोर्सफुली नहीं की जाती थी कॉन्ट्रैक्ट था मैरिज डिवोर्स दोनों अप्लाई कर सकते थे वगैरह वगैरह फिर उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबिसपियर का रूल आया रेन ऑफ टेरर आया जहाँ पर वापस से पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सब जो है बैन कर दी गई थी तो उनका जो पूरा मूवमेंट था फॉर राइट right

राइट लेट्स डू वन बॉक्स क्योंकि ये वाली बॉक्स आप लोगों में से काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारे एग्जाम में आता है तो द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलम्पी डी गोजेस ये काफ़ी ज़्यादा यू नो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी बल्कि आज का जो लड़कियाँ हैं जो मस्त यहाँ बातें करती है यू गाई शुड ऑल्सो रिमेंबर कि आज अगर हम खड़े हैं अपने बलबूते पे इट इज़ बिकॉज ऑफ वुमेन हु हैव सेक्रीफाइस दमसेल्स बेटा मैं उसका आंसर दूंगी अभी इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवलूशन टू द वर्ल्ड करेंगे मैं आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं जो मैं करा रही हूँ आपको है ना तो डी गोजेस ने गोजेस ने उन्होंने डेक्लेन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की जगह लिखा था डेक्लेन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन उन्होंने बात की थी अबाउट अ क्वीन उन्होंने बात की थी इक्वालिटी के बारे में उन्होंने जैकोबिन क्लब के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था शी क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट जिसके वजह से शी वॉज वन ऑफ द पीपल हु आर गिलिटेड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबिसर गवर्नमेंट शी वॉज एग्जीक्यूटेड ठीक है तो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन उन्होंने लिखा था क्लियर यस चमका चलो अब हम लोग आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर पे नहीं दो तो, तीन पार्ट्स और बच्चे हैं बट मेजर पार्ट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी पे तो क्वेश्चन मैं आता है एग्जाम में कि व्हाट इज ट्रायंगुलर स्लेव कि ट्रायंगुलर स्लेव क्या है और स्लेवरी को कब एबोलिश किया गया

और इन स्लेव्स को अमेरिका में भेजा जाता था टू वर्क ऑन दी प्लांटेशन राइट वन ऑफ बट जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई दे डिस्कस्ड अबाउट द एबॉल ऑफ स्लेवरी बट उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश नहीं किया इट वॉज अंडर द रेन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की सरकार कन्वेंशन की सरकार के अंडर जहां पर uh, स्ले, uh, इसको uh, स्लेवरी को एबॉलिश किया गया इन सेवनटीन However, when Napoleon came back to France, he reinstated slavery. It was finally in 1848 that slavery was abolished in French colonies. अगर आप इस इमेज को देखो, the emancipation of slave, ये 1794 का इमेज है जब slavery को Maximilien Robespierre की सरकार के अंदर convention के अंदर uh, ban कर दिया था। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो यूरोपियंस हैं, वो लोग आके अपने कपड़े दे रहे हैं स्लेव्स को कि भाई अब तुम फ्री हो अब नंगा घूमने की जरूरत नहीं है आई गेस और ऊपर लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। ठीक है बट देखो यार ये इमेज भी थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं uh, बेस्ती वाला इमेज है बिकॉज इट वॉज नॉट इट्स नॉट लाइक फ्रीडम आपकी है जो आप दे रहे हो है ना मतलब इट्स लाइक इट्स लाइक आपने ही चिड़िया को पिंजरे में डाला और फिर आप पिंजरा खोल के चिड़िया को बोल रहे हो थैंक थैंक मी क्योंकि मैंने तुम्हें फ्री किया समझ रहे बट एनी वेज लेट्स मूव फॉरवर्ड चलो लेट्स मूव ऑन टू द रेवल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ इसमें आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके जो आपका रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट था 1789 का वो ऐसे कौन से न्यू लॉज लाया इस पर एमसी आ सकता है तो बस ध्यान से पढ़ लो कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उनके आने से काफी ज्यादा लोगों के एवरी डे लाइफ में चेंजेस आए मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी ये सब अब सिर्फ आइडियाज नहीं थे जो किताबों में पढ़े जाते थे अब ये एवरीडे प्रैक्टिस में आने लगे वन बिग एग्जाम्पल

फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब के बारे में हुआ द जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रॉबिसपियर कौन था उसके क्या मेजर्स थे रेन ऑफ टेरर क्यों बुलाया जाता था फॉल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबिसर क्यों हुआ या जैकोबिन क्लब का फॉल क्यों हुआ फिर कन्वेंशन राइज ऑफ नेपोलियन का कॉज क्या था नेपोलियन क्या कोड लाए यू नो लाइक वॉट वॉट चेंजेस ही ब्रॉट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्लेवरी पे एक क्वेश्चन वुमेन इन एवरी लाइफ पे एक क्वेश्चन एंड देन वी कम टू फ्रेंच रेवल्यूशन तो ये दस क्वेश्चन exactly में लिखे हैं की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो क्या है लेगेसीड तो पहला तो देखो ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये जो वैल्यूज थे ये जो आइडियाज थे ये पूरी दुनिया में फैले आफ्टर देंच रेवल्यूशन पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज दी कैन है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जस्ट थ्रू रेवल्यूशन की क्रांति से हम सरकार बदल सकते हैं जो सैकड़ों सालों से एग्जिस्ट करती थी यूरोप में राइट सो दीडम फ्रॉम बॉन्डेज रिवर्कोपल हम लोगों ने भी उससे मोटिवेशन uh, लिया ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी क्वालिटी लिख लो इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय टीपू सुल्तान ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू आइडियाज केम आउट ऑफ देंच रेवल्यूशन यहाँ परिस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी लेजिलेचर एंड एक्जेक्यूटिव वॉज गिवेन टू द वर्ल्ड है ना राइट टू वोट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर एंड एक्जेक्यूटिव ये सारे कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवल्यूशन के बाद पूरी दुनिया तक पहुंचे All right? so that is your entire chapter. अब आपकी किताब में में कुछ हैं। जब हम लोग क्रांति के बारे में बात तो मूवमेंट करो तो मैं ट्विटर पर लिखूंगी पर आपको पढ़ना आना चाहिए पर लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो लोगों को इंस्पायर कैसे किया जाता था हाउ डिड हाउ आर पीपल टोल्ड अबाउट द रेवल्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों तक यू you नो know, बात पहुंचाई जाती थी तो यहां पर आपकी बुक में सिंबल्स दिए गए गए हैं द मेजोरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द एटीन सेंचुरी कुड नॉट रीड रीडेड राइट सो इंपॉर्टेंट आइडियाज वर कम्युनिकेटेड थ्रू इमेजेस एंड सिंबल्स और यहां पर सिंबल्स है टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये ब्रोकन चेंस मतलब बिकमिंग फ्री है है ना यहाँ पर बंडल बंडल ऑफ ऑफ रॉड्स रॉड्स मतलब वन रॉड कैन बी ब्रोकन बट जो है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता दिस टॉक्स अबाउट यूनिटी स्ट्रेंथ इन यूनिटी है ना वन आईज और उस ट्राइंगल uh, से लाइट आ रही है मतलब नॉलेज की द रेज ऑफ सन कैन ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस वाह स्पेक्टर मतलब सिंबल ऑफ रॉयल पावर यू नो कि ये राजा का पावर है स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल टू फॉर्म अ रिंग दिस वाज अ सिंबल ऑफ इटर्निटी तो सिंबल ऑफ इटर्निटी राजा का स्पेक्टर ये भी यूज किया जाता था सिंबल symbol, सिंबलाइज करने के लिए चीजों को रेड फिरगियन कैप इज अ कैप वोन बाई अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री ब्लू वाइट रेड आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस द विंग्ड वुमेन इज द परसोनिफिकेशन ऑफ लॉ ट मतलब लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉकटर अब हम लोग जल्दी से वीकविस हैं है ना जल्दी से वीक कर लेते हैं देन वी कैन जज योर नॉलेज ऑन दिस चैप्टर कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सा अगला चैप्टर यू वॉन्ट टू डू इन द क्रैश कोर्स ठीक है अच्छा ऐसा है यू हैड अ सर जिनका नाम टीपू सुल्तान था या आपने रखा उनका नाम टीपू सुल्तान कम ऑन गई जल्दी से आ जाओ वी क्विज लिंक इज राइट देर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है आपका क्विज लिंक ठीक है यू हैव टू क्लिक इट और जल्दी से आ जाओ अगर आपने अभी तक वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है जल्दी से दे दो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्रैश कोर्स बहुत आसान है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर सकते हैं मैम अच्छा इट्स वेरी ब्लर बेटा वीडियो ब्लर है तो एक बार विडियो की क्वालिटी में जाके इंप्रूव कर दो क्वालिटी सोशलिज्म यार हिस्ट्री तो नहीं करेंगे आ, अभी तो कोई और चैप्टर बता दो ठीक okay. है आ जाओ आ जाओ पॉपुलेशन और राइट आई एम गोन स्टार्ट इन टेन सेकेंड्स जो बच्चे सेशन का रिप्ले देख रहे हैं आप भी इस वीक्वेस्ट को कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू डोंट हैव टू बी इन द लाइव सेशन गाइस कमेंट में बता दो जो भी चैप्टर सबसे ज्यादा होगा उस चैप्टर का हम क्रैश कोर्स करेंगे ऑलराइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द इवेंट ऑफ 14th जुलाई 1789 इनमें से कौन सा इवेंट 14 जुलाई 1789 से एसोसिएटेड नहीं है हु डू यू थिंक विल विन यूएस इलेक्शन पता नहीं यार मुझे ना इलेक्शंस पे थोड़ा भरोसा कम होने लगा है वर्ल्ड ओवर कोई भी विन करने लगता है

राइट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग जल्दी से मैच कर दो कोई बात नहीं इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन आप यहीं पर आंसर कर दो ट्रंप आई डोंट थिंक एनी वन इन द राइट माइंड वुड एक्चुअली सपोर्ट ट्रंप बट आपकी मर्जी है ऑल राइट रूसो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सो ए इज फोर ए फोर एक ही ऑप्शन में है बी तो एक्चुअली मुझे कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं और मीरा ब्यू जो है ही वॉज द फ्रॉम अ अबेल फैमिली टू अस्टेट जनरल सी इज पोलिटिकल बॉडी एंड बाइल इज देंट राइट गुड जॉब गुड जॉब लेट्स मूव ऑन आफ्टर ओहो हो लीड अबाउट थर्ड क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन थ्री द नेशनल असेंबली वोट वी वोटेड अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया ऑस्ट्रिया ब्रिटेन और फ्रांस अच्छा तो वेदांतों विद, के वेदन प्रो कह रहे हैं कि इलेक्शन में दो खराब खरबूजे खड़े हैं तो जो ज्यादा खराब है उसको ना वोट करके कम खराब खरबूजे को हम वोट कर दें बहुत ही बुरी सिचुएशन है इसको बोलते हैं लैक ऑफ गुड चॉइसेस है ना जो अनडेमोक्रेटिक है लैक ऑफ दी करेक्ट आंसर कशिश अफशा रजित चेतन मयथा मनयथा जोशा निशी विशाल एंड सोहम ऑन टॉप लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंखें रोती है ने रोने दो According to the constitution of 1791, not all citizens had the right to vote. Only men above 18 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wage were given the right to vote. ऑल राइट तो गाइज जो आर है वहां एटीन ईयरस ऑफ एज लिखा है बट द एज शुड शुड बी ट्वेंटी फाइव पच्चीस साल के ऊपर के ये क्या था क्या था बोथ ए वॉज ट्रू एंड आर वॉज फॉल्स वॉज द आंसर ना वट वॉज द आंसर दैट वुल स्टार्ट इन द क्वेश्चन हा सी एनी आई ओके फॉलोइ इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स टू फ्रांस अंडर रॉबिस गवर्नमेंट जल्दी से बता दो आंसर हाय अम्मू गेमर थैंक यू All right let's do this question laws placing a maximum ceiling on wages and prices were issued bilkul sahi peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a price fixed by the government sahi

कौन से आइडियाज है फ्रेंच रेवल्यूशन का जो उसके लेगेसी को रिप्रेजेंट करती है कोई बात नहीं कुशाग्र कोई बात नहीं दे दो आंसर कम ऑन गाइस बहुत आंसर इजी क्वेश्चन है टेन सेकंड्स देर आर थ्री बिग वैल्यूज दैट वी गेट फ्रॉम फ्रेंच रेवल्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है दैट इज लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी

इकोनॉमिक्स में मैप स्किल नहीं आते बेटा बट आपको टेबल दे सकते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई इसका मौन अभी हमने पढ़ा था नेपोलियन के आंसर होगा इस चैप्टर में जो दस क्वेश्चन आ सकते हैं दस के दस क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बताएं तो यू शुड नो दिस आंसर थ्री मेजर्स नेपोलियन लाया था पहला लॉ टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने रैशनल और एफिशिएंट बनाया और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को उन्होंने uh, जो है एबॉलिश किया खत्म किया तो तीनों वन टू एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर बेशर्मो अभी तो पढ़ाया था मैंने है ना कशिश अफा रजित जोशिता विशाल केशव सुहानी दीपक हिमेश एंड टॉप कुछ भी क्या होता है आप कुछ भी मैं पढ़ाऊ और आप अपने दिमाग में भी ना घुसाओ चेहरा देख रहे हो मेरा गई जब मैं पढ़ा रही हूँ लिखो याद करो टाइम वेस्ट मत करो अपनी जिंदगी का एक ही जिंदगी है आपकी है ना पढ़ाई कर लो उसमें यू अंडरस्टैंड बाई टाइल टाइल को क्या बोलते हैं टाइल किसको देते हैं टिथे किसको बोल देते हैं यस टाइल और तिथे तिथे जो होता है इज़ द टैक्स लेवीड बाय द चर्च वन टेंथ ऑफ़ द टोड्यूस जो टाइल होता है वो हम देते हैं डायरेक्टली टू द स्टेट सिरा सरकार को देते हैं सेकेंड स्टेट को देते हैं नोबिलिटी को देते हैं कशिश अफशा रजित विशाल केशव सुहानी जोशिता प्रशा पलक अमृता ऑन टॉप नाइन्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इन तो right. so, आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है अभी हमने सारे पोलिटिकल सिंबल्स भी किए थे बहुत लोग इसका टैटू भी बनाते हैं बाई द वे आजकल पीपल हैव दीज रिंग्स ऑल्सो पीपल हैव दिस काइंड ऑफ टैटू ऑल्सो यस इट इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स इटर्निटी इटर्निटी जब स्नेक अपनी ही टेल को खा रहा है सिंबल ऑफ इटर्निटी मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि बेटा आप बहुत हाई स्पीड में नहीं दे रहे होगे अपना आंसर कोई बात नहीं कशिश अफशा रजित केशव ऋषा विशाल पलक सुहानी अमृता चैतन्य ऑन टॉप जैसे फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट वाला लिस्ट नहीं आता के बीसी में बहुत लोग सही आंसर देते हैं पर सबके नाम नहीं आते बोर्ड पे आफ्टर द फॉल ऑफ द बासटाइल द मैसेजेस एंड आइडियाज रिगार्डिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज प्रोपोगेटेड फ्रीली एंड ईजिली टू फार एरियाज ऑफ द नेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया चैनल्स डिड नॉट हेल्प इन मीडिया प्रोपोगेशन जब सेंसरशिप हटा तो क्या जो है यूज़ नहीं किया जाता था फॉर मीडिया प्रोपोगेसन काफी अजीब सा क्वेश्चन है बट ओके okay. तो यार ऑब्वियसली न्यूज पेपर्स बुक पैम्फलेट्स पिक्चर्स जो है यूज किए जाते थे तो डी बचा विच मेक्स नो सेंस है ना तो दैट मस्ट बी द आंसर इट मेक्स नो सेंस राइट सो लेट्स लुक एट द फाइनल लीडर बोर्ड अफशा कशिश एंड केशव आर ऑन टॉप ऑफ टूडेज लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड का मतलब है इन तीनों ने सबसे ज्यादा आंसर सही दिए और सबसे जल्दी आंसर सही दिए सो गुड जॉब गुड जॉब और राइट नाउ इसलिए लाइ दो क्वेश्चन दिमाग में है कि पहला अगला चैप्टर हम कौन सा रिवाइज करेंगे तो गाइज वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना वी विल टेक द चैप्टर फॉर द नेक्स्ट वीक एंड दूसरा क्वेश्चन है कि मैम हमको ये नोट्स चाहिए तो हमें ये कहाँ मिलेगा तो गाइज एज यूजल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा नॉट जस्ट दैट हमारी टीम ने ऑलरेडी क्लास टेन के लिए कर दिया है क्लास नाइन के लिए भी अब एक हम ऐसा लिंक बना रहे हैं जिसको दबा के आपको हर एक सब्जेक्ट का और हर एक सेशन का नोट्स मिलेगा ऑन वन पेज ठीक है दैट विल बी लाइव सून तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो दैट इज इट फॉर टुडे आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर यू वुड लाइक मी टू डू ठीक है वीडियो को थम्स अप दे देना डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट क्लास दिस इज योर मास्टर यस बी साइनिंग आउट बाय बाय